And then we come to the ministry of John the Baptist. फिर हम आते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई की ओर. Now, this word Baptist. यहाँ पे अब ये जो शब्द है बपतिस्मा देने वाला. It's a new word, you know, which was invented by the translators of the King James version. एक नया शब्द है जो कि किंग जेम्स अनुवादकों के द्वारा आविष्कार किया गया है. And brought into the English language. फिर ये शब्द अंग्रेजी भाषा में लाया गया. Because I understand that when the King James translation was being made. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब किंग जेम्स का अनुवाद हो रहा था. 400 years ago, the king gave certain rules to the translators. 400 वर्ष पहले राजा ने अनुवादकों को कुछ निर्देश दिए थे. One of the rules he gave them was don't disturb existing church traditions. उसमें से एक निर्देश जो राजा ने दिया था वो ये था कि तत्काल में चलने वाली कलीसियाओं की जो परंपरा है उसको ना छेड़े. And those days, you know, in the churches, like in Anglican churches today, they were baptizing babies, christening them. और उन दिनों में जैसे कि अभी के एंग्लिकन कलीसियाओं में होता है वैसे ही नए जन्मे बच्चों का बपतिस्मा होता था या तो फिर मसीहीकरण होता था. Well, there was no name. They were just christening them. तब कोई नाम नहीं था उनका मसीहीकरण किया जाता था. And these people, when they translated the scripture, they came across this Greek word baptizo or bapto. ये लोग जब परमेश्वर के वचन का अनुवाद कर रहे थे तब उनका सामना इन शब्दों से होता है जो कि बैप्टाइजो या बैप्टो है. Which in ordinary Greek language means immerse. जो कि आम से यूनानी भाषा में जिसका अर्थ है डूबा जाना. That's the translation. ये अनुवाद है. But they didn't translate it because that would have disturbed existing church traditions. उन्होंने वैसा अनुवाद नहीं किया. अगर वो वैसा करते तो तत्काल में चलने वाली कलीसियाओं की जो परंपरा है उस पर कोई विघ्न पड़ जाता. At the same time, they were honest people. They could not say John the Christener. उसी समय वो ईमानदार लोग थे. वो यूहन्ना मसीहीकरण करने वाला भी नहीं कह पाए. Because he was not a christener. क्योंकि वो एक मसीहीकरण करने वाला नहीं था. He wasn't christening anybody. वो किसी का मसीहीकरण नहीं कर रहा था. They wanted to be honest. वो ईमानदार होना चाहते थे. At the same time, they didn't want to displease the king. उसी समय वो राजा को भी नाखुश नहीं करना चाहते थे. So they invented a word into the English language. इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक शब्द का आविष्कार किया. Which nobody knew the meaning of. जिसका अर्थ किसी को नहीं पता था. Baptism. बपतिस्मा. Like a strange word, you know. एक अजीब सा कोई शब्द. Like the English people when they came here, they took certain words back from here, like dobi. जैसे कि जब अंग्रेजी लोग भारत में आए थे तो यहाँ से वापस वो कुछ शब्दों को ले जाते हैं जैसे कि शब्द धोबी. Dobi, D-H-O-B-I. It's not an English word. Dobi, D-H-O-B-I, जो कि एक English अंग्रेजी शब्द नहीं है. Dobi, sahib, S-A-H-I-B. The words they came here and took it back and gradually it acquired a meaning like that. और साहिब S-A-H-I-B जो कि अंग्रेजी शब्द नहीं है यहाँ से ले जाया गया वह शब्द है बाद में उसका अर्थ उन्हें बनाना पड़ता है. The Greek word was baptism. वैसे ही यूनानी शब्द था बपतिस्मा. So when the common people read the Bible, they read baptism. और जब आम से लोग बाइबल पढ़ते थे तो उन्होंने ये शब्द पढ़ा बपतिस्म. What is that? I've never read that word before in English. They look up the dictionary, no such word. उन्होंने कहा कि ये क्या है? हमने तो ये शब्द अंग्रेजी भाषा में पढ़ा ही नहीं है. वो शब्द कोश भी ढूंढते हैं तो वहां पर भी उन्हें वो शब्द का अर्थ नहीं मिलता. Oh, this must be what they do in the church when they pour the water on the child. फिर वो सोचते हैं कि अरे ये तो कलीसिया में चलने वाला वो परंपरा होगा जहां पर छोटे नए जन्मे बच्चों के ऊपर पानी छिड़का करते हैं. And so that's how child baptism came up, for your information. आपकी जानकारी के लिए बच्चों का बैप्टिस्मा ऐसा ही उभर आया है. John the Baptist, it's actually translated, it should be translated John the Immerser. यूहन्ना बैप्टिस्मा देने वाला, इसका असली अनुवाद होना चाहिए था यूहन्ना डुबाने वाला. I have never found a single translation in the world. पूरी दुनिया में मैंने एक भी ऐसा अनुवाद नहीं पाया है.
that has had the courage to translate that Greek word exactly like it is written. जिसके अंदर ये हिम्मत हो कि वो शब्द यूनानी शब्द का अनुवाद वैसा ही करे जैसा कि वो लिखा गया है. Because nobody will buy that Bible. क्योंकि कोई वो बाइबल नहीं खरीदता. I mean, not nobody. All the denominations that practice child baptism will not buy it. ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं, परंतु जितनी मंडलियां जो बच्चों के बैप्टिस्मा करते हैं वो लोग नहीं खरीदते. But I have to tell you the truth. परंतु मुझे तो आपको सत्य बताना है. You go and ask the Greek scholars what baptizo means, what bapto means, and see if it doesn't mean dip, immerse. There is no other meaning. अगर आप जाकर यूनानी विद्वानों से पूछेंगे कि बैप्टाइजो या बैप्टो का अर्थ क्या है, तो वो आपको कहेंगे कि उसका अर्थ है डूबना, डुबाना. उसके अलावा और कोई अर्थ नहीं है उसका. It's not sprinkle. वो छिड़काव करना नहीं है.